सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हुआ है डिनर का टाइम, तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर बना रही, तो फिर मैं सोचूंगी। और ये अक्षु है जो मेरे कोर्स उतर नहीं रहा है, तो मैं आज बना रही हूँ घीमे कंद की सब्जी, वो भी मसाले वाली। तो मैं सोची आप लोगों को शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो दिखाऊंगी और आपसे बात भी करूँगी साथ साथ, तो दिखाती हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और अक्षु तो उतर नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उतारने से होता है ना? और मैं यहाँ पे जिमीकंद को फ्राई करने लाई हूँ, लेकिन मैं रात को ही इसको जिमीकंद को उबाल के और सुखा के रखती थी। बस अभी मैं क्या करूँगी, इसको ऑयल में फ्राई करूँगी अच्छे से। क्या हो गया अक्षु? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया अक्षु? इधर है, इधर 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 नीचे। हाँ, बस मैं अभी जिमीकंद को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी। लेकिन मुझे मसाला पसंद है और उनको खट्टा पसंद है, तो देखती हूँ खट्टा भी अगर बनेगा तो बना लूँगी। तो हम जब भी जिमीकंद बनाते हैं तो मेरे लिए मसाला वाला निकालती हूँ मैं, और उनके लिए खट्टा वाला। खाते दोनों हैं लेकिन पसंद ऐसे है कि मुझे ये पसंद है, उनको वो पसंद है। क्योंकि मैंने अपने घर में, मतलब मम्मी के घर में हमेशा मसाला वाला ही अच्छे से, मतलब मसाला वाला ज़्यादा बनता है, खट्टा बहुत कम, कोई खाता नहीं खट्टा वाला। ओए, तो बस ट्राई कर लेती हूँ। करके सूरन और जिमीकंद, आप लोग सूरन भी बोलते हैं उसको, वो निकाल लूँगी। और उसके बाद इसमें ऑयल डालूँगी और राई, हींग, जीरा और प्याज, ये डाल के अच्छे से इसको पहले भून लूँगी। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़े से कसूरी मेथी, दो तेज पत्ता, और ये जो प्याज रखा ना कटा वाला जो काट के रखी थी वो डाल दूँगी। और मैं प्याज को भुनी नहीं थी, उससे पहले मैं गलती से गरम मसाला डालने वाली थी, फिर मैं उसको छोड़ दी, मुझे याद आ गया। तो मैं थोड़ा सा इसको प्याज को अच्छे से भून लूँगी ब्राउन होने तक, उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। अब मैं मसाला इसमें ऐड कर दी और साथ साथ मैं अक्षु से बात भी कर रही थी। मसाला जो है इतने अच्छे से फ्राई हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तो मैं डाल रही थी थोड़ा हल्दी, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा ज़्यादा डाल दी थी। और मेन चीज़ तो नमक, अब मेरी ग्रेवी है रेडी। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें सूरन यानी जिमीकंद को। पेस्टो में मैंने रख दिया है अभी दही वाली जिमीकंद बनाने के लिए, तो बस उसमें ऑयल और मसाले अच्छे से पहले फ्राई वाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जिमीकंद डाल के उसको दही वाला बना लूँगी। इधर एक साइड बन रहा है, एक स्टोव में बन रहा है मसाले वाली जिमीकंद, दूसरे स्टोव में बन रहा है दही वाली, और तीसरे में बन रहा है अक्षु के लिए खिचड़ी। मसाले वाले अभी सूरन तो बन गई है, बस अभी ये दही वाली सूरन को बनना है, और साथ साथ मैंने चढ़ा दिया है राइस और खिचड़ी उबल रही है, तो बस ये बना लेती हूँ। अक्षु को देखो कि ये पूरा राइस का पैकेट को ही निकाल लिया है, इतना छोटू सा है लेकिन इतना मस्ती करता है, राइस का पैकेट कुछ भी नहीं बच रहा है, अभी तो सब चीज़ निकाल ले रहा है, सब ड्रॉअर खोल ले रहा है। तो ये अभी चावल का पैकेट निकाल लिया, अभी कुछ कुछ और निकाल ही रहा है धीरे धीरे। बन गया चावल, खिचड़ी अक्षु का, जिमीकंद की सब्जी मसाला वाली, पनीर। बस हमारा डिनर ख़त्म हुआ और बस हम जा रहे हैं अभी रमीज़ सुपरमार्केट, तो बस वही हम सामान वामान ले लेंगे
और फिर आते हैं, मिलते हैं आपको, दिखाते हैं और बस चले जाते हैं। और हमको ना वॉक करके जाना होता है, ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो फिर हम वॉक करके जाते हैं, तो हम पीछे से ही चले जाते हैं, पीछे वाले रास्ते से ही। और अक्षु स्ट्रॉलर में सो ही गया, वो जाते जाते ऐसे सो ही गया है। था अक्षु के लिए शू, लेकिन यहाँ पे जो एक शू था वो भी थोड़ा सा वेट था उसका, तो इसीलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि इसका पैर ही छोटू सा है और इसके साइज का हमको दिखा ही नहीं। अब हम आ गए हैं क्लॉथ सेक्शन में, तो बस यही क्लॉथ देख रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले जब हम आते थे तो हम अपने लिए लेते थे, लेकिन अब बेबी हो गया है, अब मम्मी पापा बन गए हैं, तो बस अब बच्चे के लिए लेते हैं। तो वही है, फैमिली के लिए हो जाता है, बच्चे के लिए हो जाता है, फिर अपने लिए लेते ही नहीं है। और ये वाली जो ड्रेस है ना, उसको हम लोग अक्षु के लिए लिए हैं। हमने किया थोड़े से ग्रॉसरी की शॉपिंग, तो बस और कुछ सब्जियां ले लिए और साथ में फ्रूट्स भी ले लिए, क्योंकि वीक के लिए हमको एक साथ लेके जाना होता है, तो वही बस ले रहे हैं। और थोड़े से हम लोगों ने ग्रेन्स लिए, उसमें मैंने चना ले लिया और मटर भी ले लिया, क्योंकि मटर और चना ख़त्म हो गए थे। और साथ साथ यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा लेके आए, लेकिन पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और अब हमारी शॉपिंग हुई ख़त्म, तो बस अब हम घर आ रहे हैं, तो मैं अक्षु को ले लेती हूँ और साथ में फिर ये सामान को लेके आते हैं।